तो लास्ट ईयर की बात है, इसी लैपटॉप के सामने इस चेयर पर बैठकर किसी लीड कोड की प्रॉब्लम के टेस्ट केस में फंसने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर मैं यूट्यूब खोलता हूँ और माय फर्स्ट डे एट माइक्रोसॉफ्ट, माय फर्स्ट डे एट क्योरफिट, माय फर्स्ट डे एट गूगल देखकर फील आ जाती है। और फाइनली प्लेसमेंट लगने के 11 महीने बाद दिस इज माय फर्स्ट डे एट पेटीएम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब यार पहले दिन ना मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि आखिरी लाइन ऑफ कोड लिखे हुए मुझे 11 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था और एक्साइटेड भी था नए फेज ऑफ लाइफ के लिए। लेकिन दो लोग मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड थे, मम्मी पापा। खैर आज मेरी पहली मीटिंग थी 11:30 बजे। मीटिंग स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, लेकिन उसके बाद यार पूरा दिन लैपटॉप के सामने ही निकल जाता है। इन्फॉर्मेटिव था, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे, लेकिन यार एक थोड़ा वो बोरिंग सा था। मीटिंग खत्म। तो जय भाई कैसा था पहला दिन पेटीएम का? तो देखो यार पेटीएम का पहला दिन या जॉब का पहला दिन मैं कह लूँ तो कुछ ये सीन था। कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताई गई, फॉर्म्स वगैरह फिल करने थे, पेपर वर्क बहुत सारा था तो हमें कल तक सबमिट करना है, ठीक है। उसके अलावा आज का जो मेन सीन, आज का जो मेन काम था वो यही था कि यार तुम समझो कंपनी के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, ये सारी चीज़ें। आज फ्राइडे है वैसे, मंडे को भी कुछ रीइंबर्समेंट के ऊपर सेशंस होने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल यही सब चलेगा। असली काम अभी शुरू नहीं होगा, असली काम शुरू होगा कुछ दिनों बाद। अब यार पहले के जो 2-3 दिन थे ना उसमें इंडक्शन प्रोग्राम, ओरिएंटेशन और पेपर वर्क, यही सारी चीज़ें हुई। तो यार अभी टाइम हो रहा है 11:30 और यार कल 11 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें करवाना है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था अपने पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और मुझे मिली एक ही चीज़। अब यार कोई भी पेपर वर्क होता है, चाहे वो पेटीएम का ही पेपर वर्क क्यों ना हो, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अब मैं ढूंढ रहा था यार मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिल जाए कहीं, तो ये सब मिला मुझे। तो मैंने स्कूल टाइम के बाद से फ़ोटोज ही नहीं खिंचवाई। ये फोटो हमारे पास कैमरा है, रिंग लाइट है हमारे पास, तो एक खुद की फोटो खींच ही ली जाए पासपोर्ट साइज। तो एक बार ये सारे फॉर्म्स वगैरह पेपर वर्क सब खत्म हो जाता है ना, इसके बाद हमारे पास आता है एक ऑफिशियल वेलकम लेटर, वेलकम टू पेटीएम। और उस लेटर में लिखा रहता है यार मुझे कौन सी टीम मिली है, वैसे मुझे नोटिफिकेशन टीम मिली है, उसमें हमारे मैनेजर का कॉन्टैक्ट दे रखा होता है, 2-3 चीज़ें और दे रखी होती है, और मेरा पेटीएम का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस मुझे दे रखा होता है। तो मैनेजर से मैंने कनेक्ट करा, मैंने उन्हें टेक्स्ट डाला, व्हाट्सएप करा मैंने, ठीक है, कि सर आई एम फ्रेशर एट पेटीएम एंड एक्साइटेड टू मीट यू इन पर्सन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। उसके बाद उनका रिवर्ट आया कि तुम मुझे क्या करो, सेंड मी एन ईमेल। अब मैं उन्हें अपनी ईमेल लिख के भेज रहा हूँ, ajraj@paytm.com जो भी है। उन्होंने लिखा सेंड मी एन ईमेल, मैंने फिर जो वो करते हैं ना रिप्लाई डॉट, मैंने वो भेज दिया। फिर उन्होंने लिख के भेजा कि बालक मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझे अपने मेल से एक मेल भेजो और उसमें लिखो कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्या है। तो मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग लगा यार, पहले दिन ही बेइज्जती करवा ली तुमने अजय मैनेजर के सामने, ठीक है चलता है। अब यार वो मेल डालने के बाद है ना मेरी बात होती है टीम लीड से, और वो मुझे बताते हैं कि हम लोग काम कर रहे होंगे बैकएंड पे और उसके लिए मुझे जावा और स्प्रिंग सीखनी पड़ेगी। अब प्लेसमेंट के टाइम पे तो मैंने C++ करी थी, लेकिन हाँ सीख लेंगे जावा भी। और अगर आप लोग भी यार प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोडिंग निंजा से कर सकते हो। तो कोडिंग निंजा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी एंड आई हैव टॉट मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, चाहे C++ से डेटा स्ट्रक्चर्स, जावा, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और डेटा साइंस। अब यार जो कोर्सेज बना रखे हैं ना वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बना रखे हैं जिससे सीखने में आसानी हो। उसके अलावा जो कंटेंट है कोर्सेज में वो खुद टेक जाइंट्स के एक्सपर्ट्स ने बना रखा है फ्रॉम IIT, स्टैनफोर्ड, अमेजॉन एंड फेसबुक। इसके अलावा 1,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछे गए हैं फॉर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करते टाइम डाउट आना कॉमन बात है, उसके लिए कोडिंग निंजा का 1-on-1 डाउट सपोर्ट भी है, 1 से 2 घंटे में डाउट्स सॉल्व।
तो 4.9 स्टार की रेटिंग भी दे रखी है गूगल और फेसबुक पर। और अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन 7 अगस्त से पहले, उसके बाद डिस्काउंट हो जाएगा 15% का। ज़रूर चेकआउट करना। अब अजय भाई, हमने यार निशांत भैया की वीडियो में देखा है, फराज भैया की वीडियो में देखा है, बब्बर भैया की वीडियो में देखा है, और लैपटॉप भी मिलता है, तो मैं भी उत्सुक था कि यार मुझे कौन सा लैपटॉप मिलेगा। तो पहला ऑप्शन था कि यार लैपटॉप हमारे घर डिलीवर हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन था तो इससे पहले मैं अपनी वीडियोस एडिट करता था विंडोज़ पे, लेकिन यार अभी भी विंडोज़ पे एडिट करता हूँ मैं। अब मुझे लगा यार मैकबुक मिला है M1 चिप वाला, तो इस पे मक्खन एडिटिंग होगी बिल्कुल, लेकिन यार इस पे नहीं कर सकते एडिट, ये ऑफिस यूज़ के लिए खाली। अब विंडोज़ से मैक में शिफ्ट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी मुझे भी आई, लेकिन उसके बाद मैं हो चुका था रेडी। और अगले दिन थी मेरी एक स्क्रम 10:30 से 11:30 बजे। अब स्क्रम में यार हर कोई अपना अपडेट देता है कि उसने क्या काम करा है, तो हमारे जो टीममेट्स थे वो सब अपना अपडेट दे रहे थे। अब मैंने अभी तक यार सिर्फ C++, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ये सारी चीज़ें कर रखी थी, लेकिन वहाँ पे मतलब अलग ही कुछ चल रहा था, स्लैक, किबाना, जीरा, ये सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी सारी चीज़ें, लेकिन हाँ मज़ा बड़ा आ रहा था सुनने में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद मुझे एट द एंड काम मिलता है अपना लैपटॉप सेटअप करने का। लैपटॉप सेटअप में यार कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से पहले ज्वाइन कर लिया था DTU के, तो मैंने उनसे पूछ के लैपटॉप सेटअप कर लिया। अब जो अगला काम था कोड सेटअप करना, तो वो यार बड़ा थोड़ा परेशानी वाला, मतलब बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कोड सेटअप करने में। हो तो रहा है। अरे भाई भाई साहब, मैं कोड सेटअप में लगा हुआ हूँ पिछले 7 दिनों से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मतलब इतने ट्राई करे ना हमने, नफी जो मेरा टीममेट है उसने भाई मतलब कितने ही तौर तरीके लगा दिए, और जो ये फाइनल था ना, मतलब 6:30 बज गए थे, 6:30 बजे यार वैसे ऑफ हो जाते, तो हमने सोचा था कि एक लास्ट ट्राई लेते हैं, हो गया अच्छी बात है, वरना कल जो हमारे टीम के और सीनियर्स हमसे डिस्कस करेंगे कैसे करें। तो यार यही कुछ था Day1@PTM तो नहीं, लेकिन हाँ मेरी अभी तक की जर्नी कैसी रही। इसके अलावा यार इस चैनल पे मैंने पहला वीडियो डाला था 2018 में, मेरी इंजीनियरिंग शुरू होने से करीबन 1 महीने पहले, तो पूरी इंजीनियरिंग की कहानी मेरी इस चैनल पे पड़ी हुई है, और Season 1 ख़त्म हो चुका है, अब बारी है Season 2 की, लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन इतने टाइम से गायब थे जय भाई, कुछ तो शूट किया होगा। मिलते हैं फिर, इस बार थोड़ा जल्दी।